नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट्स हूज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम, बड़ी साइड ले लीजिए, लेट दिस इज ए बी 6 सेंटीमीटर। देन क्या करेंगे हम, ए से कंपास के साथ आर्क लगाएंगे, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगाई एंड बी के ऊपर फिर कंपास रखेंगे, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, क्योंकि तीनों साइड दी हुई हैं। तो एक साइड हमने नीचे ले ली, एक साइड यहाँ पे कंपास रखे 5 सेंटीमीटर की और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की, ये दोनों आर्क यहाँ पे कट करेंगी, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा सी। इसको और इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ के साथ लिखते जाते हैं। क्या होगा, नंबर 1, टेक ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ड्रा ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से, फ्रॉम ए एंड बी मार्क 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ड्रा 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी, ज्वाइन ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी को ज्वाइन किया, ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड। सबसे पहले जो हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर लेके, वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब हमने क्या करना है, देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट हूज साइड्स आर 2/3। सबसे पहला ध्यान हमने यहाँ पे देखना है 2/3, अगर 2/3 मीन्स हमारा न्यूमरेटर छोटा है, स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर, तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी वो इससे छोटी बनेगी, इनसाइड बनेगी। क्या करते थे हम, यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रा करते हैं या एक रेज भी हम कह सकते हैं, ड्रा रेज ए एक्स, ड्रा रेज ए एक्स एंड मार्क। क्या करना था, इनमें से ज़्यादा कौन सा है, 3 है, तो हमने 3 मार्कर लेने यहाँ पे, A1, A2 एंड A3 एंड मार्क A1, A2 एंड A3 विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3, दिस आर इक्वल। अब यहाँ से B से किसको मिलाना, हमने ज्वाइन किसको करना है, जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको हमने B से ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 में, ज्वाइन A3 टू B, ज्वाइन कर लिया। अब कौन से पॉइंट पे, ऊपर वाला जो है A2, यहाँ से हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी। कैसे करते हैं,
यहाँ पे आर्क ली, सेम आर्क हमने यहाँ पे ले ली। फिर जितनी आर्क यहाँ से आपने कट करेंगे, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस से ये आर्क कट करेंगे और इसको आगे बढ़ा दीजिए, मिला दीजिए, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, बी डैश। ये स्टेप बता दिया कैसे करते हैं। लिखने में सिर्फ आपने क्या करना है, आपने लिखना है ड्रा ए टू बी डैश, ये लाइन ए टू बी डैश पैरेलल टू ए थ्री बी, ए टू बी डैश इस लाइन के पैरेलल हमने ड्रा कर ली, ठीक है, विच इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट ए बी एट बी डैश, बी डैश पे कट कर रही इसको। सिमिलरली हमने क्या करना है, बी सी के पैरेलल भी एक लाइन ड्रा करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क, जितना ये है उतना ही हम यहाँ से कट करेंगे, आर्क से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सी डैश। तो एट नंबर पे हो जाएगा ड्रा बी डैश सी डैश पैरेलल टू, बी डैश सी डैश पैरेलल किसके, बी सी के, बी सी विच इंटरसेक्ट ए सी एट सी डैश, ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सी डैश पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ए बी डैश सी डैश, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो ए, सो ए बी डैश सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो उन्होंने पूछा था ड्रा करनी है हमने, सिमिलर रिक्वायर्ड ट्रायंगल सिमिलर टू, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और इनकी साइड 2/3 रेशियो में होंगी। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान है सारे के क्वेश्चंस। चलिए इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle. पहले की तरह है, यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गई है और ये भी चेंज हो गया, पहले डिनोमिनेटर ग्रेटर था, अब की बार हमारा न्यूमिनेटर ग्रेटर है। चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल जब हम बनाएंगे जो लार्जर साइड से वो ले लेते हैं हम नीचे, हमने एक लाइन ड्रा की, लेट दिस इज ए बी, ए से कंपास के साथ हमने 6 सेंटीमीटर एंड बी से 5 सेंटीमीटर की आर्क जो विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ज्वाइन ए सी एंड बी सी, ठीक है। क्या स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने फर्स्ट में हमने क्या किया था, टेक अ लाइन ए बी, हाउ मच 7 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, टेक अ लाइन, टेक अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप में हमने फ्रॉम ए एंड बी ड्रा आर्क्स ऑफ लेंथ, कौन सी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट ईच अदर, ईच अदर एट सी, सी पे इंटरसेक्ट हो गया, ज्वाइन कर लीजिए इनको, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। फोर्थ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड, ये फर्स्ट ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अब इसके कोरस्पोंडिंग साइड जो 7/5 हो, सिमिलर ट्रायंगल हमने ड्रा करनी है। कैसी बनेगी ट्रायंगल, सबसे पहले ध्यान दीजिए 7/5, हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो इट इम्प्लाइज
जो नई ट्रायंगल की साइड्स होंगी वो पहले वाली ट्रायंगल से बड़ी होंगी, इसके एक्सटीरियर में बनेगी। हमारे पास क्या करते थे, एक एक्यूट एंगल कर लीजिए या फिर आपकी मर्जी है उसको ए एक्स मान लीजिए आप। हमने क्या किया, ड्रा एक्यूट एंगल बी ए एक्स एट ए, एंड इसके बाद हम कितने मार्क करने हैं, हमने यहाँ से में जो भी ज़्यादा वैल्यू हो, 7/5 में हमारे पास ज़्यादा क्या है, 7 है, तो आपने 7 मार्क करने हैं। हाउ मच, 7, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड देन A7। नेक्स्ट हमने क्या किया, मार्क A1 इज इक्वल टू A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 एंड A6 A7 ऑन AX। AX पे हमने ये मार्क कर लिए जो इक्विडिस्टेंस पे है। ज्वाइन करना होता है B को, इस B को किससे, जो हमारे पास नीचे वाला पॉइंट होता है 7/5 में, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 5 है, तो 5 वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने सिंपल ये लिखना है, ज्वाइन A5 टू B, 7 ज्वाइन A5 टू B। अब क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, कौन से पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से, 7 है तो यहाँ पे हम आर्क लगाएंगे, यहाँ पे भी आर्क लगाएंगे, जितना ये आर्क है यहाँ से कैंसिल करेंगे और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसको एक्सटेंडेड AB को कहाँ पे कट करेगा, B' पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रा A7B' पैरेलल टू, पैरेलल किसके, A5B के, A5B विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड AB एट B', एक्सटेंडेड AB को B' पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही हमने BC के पैरेलल यहाँ पे ड्रा करना, एक आर्क यहाँ पे लगाई, सेम जितनी आर्क यहाँ से कैंसिल किया, इस एक्सटेंडेड को हम पैरेलल करेंगे तो एक्सटेंडेड को कट करेगा, ये कहाँ पर कट करेगा, C' पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रा B' C' पैरेलल टू BC विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड AC एट C'। सो AB'C' इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो AB'C' इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। चलिए, बहुत ही आसान से हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।